वेरी गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ क्लास फिफ्थ. दिस इज द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड वी विल प्रोसीड इन चैप्टर थर्ड एंड वी विल डू चैप्टर 3.2. ओके, दिस इज द बुक एंड चैप्टर 3.2 दैट नेम इज एस्टिमेशन. ओके, एस्टिमेशन. ठीक है, इसके पहले हमने क्या पढ़ा है, राउंड ऑफ. ठीक है, राउंडिंग ऑफ करना नंबर्स को, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 एंड नियरेस्ट लैक्स में. ठीक है, राउंड डाउन करना किस तरीके से हम करते थे, राउंड अप किस तरीके से करते थे. तो उसके बाद हम देखेंगे इस चैप्टर में एस्टिमेशन, किस तरीके से हम एस्टिमेट निकालते हैं. ठीक है, राउंड ऑफ के हेल्प से ही हम एस्टिमेशन निकालते हैं नंबर्स का. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए सिंपल जो हम एडिशन करते हैं नंबर को. ठीक है, तो एक्चुअल सम जो होता है नंबर का, जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जांपल वन देखिए, लेट्स फाइंड द एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड सम ऑफ 370418 एंड 298763 बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10,000. ओके, नियरेस्ट 10,000 पे दिया है, तो नियरेस्ट 10,000 पे आपको राउंड ऑफ करना है. ठीक है, एक्चुअल सम आप देख सकते हैं. ठीक है, उसके बाद एस्टिमेटेड सम ये कैसे निकाला है, ये मैं आपको बोर्ड पे दिखाती हूँ कॉपी में. ये देखिए एक्चुअल सम. ठीक है, सिंपल एडिशन करेंगे हम नंबर को. ठीक है, ये आएगा हमारे पास एस्टिमेशन, ये एक्चुअल सम जो आएगा आपका, आपके पास ये आएगा. ठीक है, बट ये क्या है, एस्टिमेशन किस तरीके से निकालेंगे हम इन दोनों नंबरों का. ठीक है, ये नंबर और ये नंबर, इन दोनों का हम पहले राउंड ऑफ निकालेंगे, जो भी राउंड ऑफ आएगा उनको हम ऐड करेंगे. ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एस्टिमेशन करना बोलते हैं, नंबर को एस्टिमेट करना बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कितना है, 370418 है. ठीक है, ये कितना है, ये है आपका वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैक. ठीक है, 370,000 है. ठीक है, और क्या बोला आपको, नियरेस्ट 10,000, मतलब कि आपको 70,000 वाले में चेंजेस करना है. ठीक है, तो हम एक इसका नियरेस्ट जो लैक है वो हम पहले यहाँ लिखेंगे. ठीक है, जो उससे कम होगा, और एक जो नियरेस्ट लैक जो इससे ज़्यादा होगा वो हम लिखेंगे. ठीक है, तो वो कितना होगा, ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, 3 लाख होगा. ठीक है, जो कि इससे कम लैक में एस्टिमेशन, मतलब कि कम लैक है नियरेस्ट में. ठीक है, उसके बाद है 370,414 के जस्ट अबव वाला, मतलब इससे बड़ा वाला लैक क्या होगा, तो क्या हो सकता है, वो 370,000 हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नंबर हमने राउंड करा है 7, ठीक है, वो क्या है, 5 से अबव है, तो हम क्या करेंगे, हम राउंड ऑफ लेंगे 37,000 वाला. ठीक है, और ये हम हमने इसको यहाँ पर लिखा है. ठीक है, उसके बाद हम ये नीचे देखेंगे, ये है 29, यानी कि 298,763. ठीक है, इसका हमें राउंड ऑफ निकालना है, तो क्या आएगा स्टूडेंट, देख सकते हैं ये 9 जो कि है अबव 5 है, तो हम क्या, कौन सा लेंगे, हम इसे राउंड अप करेंगे. ठीक है, राउंड डाउन में कितना आएगा, 2 लैक्स आएगा, और राउंड अप में क्या आएगा, 3 लैक्स. ठीक है, ठीक है, तो एस्टिमेशन हम क्या करेंगे, इन दोनों का राउंड ऑफ लेकर के हम ऐड करेंगे. ठीक है, समझ में आया, तो हमें क्या मिल रहा है, 6,70,000. ठीक है, ये इसे ही हम क्या बोलते हैं, एस्टिमेट करना बोलते हैं नंबर्स को. ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ऐड, अगर किसी नंबर का ऐड हमें निकालना है एस्टिमेशन के फॉर्म में, सम, ठीक है, एस्टिमेटेड सम निकालना है, तो हम इस तरीके से उन दोनों नंबर का राउंड ऑफ निकालेंगे, उसके बाद उन दोनों नंबर को ऐड करेंगे. ठीक है, समझ में आया, उसी तरीके से एक्चुअल डिफरेंस किस तरीके से निकालते हैं, तो सेम करते हैं. ठीक है, जो एक्चुअल डिफरेंस होता है वो ये होता है. ठीक है, उसके बाद एस्टिमेटेड क्या होता है, ठीक है, एस्टिमेटेड डिफरेंस किस तरीके से निकालेंगे, तो आप जो ये नंबर्स दिए हुए हैं, ये दोनों नंबर, इन दोनों नंबरों का आप क्या निकालेंगे, राउंड ऑफ निकालेंगे, उसके बाद जो नंबर आपको मिलेगा उसको आपका डिफरेंस निकालना है. ठीक है, तो जो भी आएगा वो आपका क्या आएगा, एस्टिमेटेड डिफरेंस आएगा नंबर का. समझ में आया, ठीक है.
ये भी मैंने बोर्ड पे करके आपको दिखाया है, अगर आप देखना चाहें। ठीक है ये, ठीक है, एक्चुअल डिफरेंस इन नंबरों का ये होता है जो नंबर आपके दिए हुआ है एग्जांपल में, और इस नंबर का फिर हमने क्या करा है, एस्टिमेट डिफरेंस निकाला है। ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक, और यहाँ क्या है, हमने इसका राउंड ऑफ निकाला इस नंबर का, सेकंड इस नंबर का। ठीक है, तो राउंड ऑफ क्या आया है इसका, हमने निकाला है 1 है क्योंकि 5 से बिलो है, तो हमने क्या लिया है, 9 लैक्स लिया है। ठीक है, और इस नंबर में आप देख सकते हैं, ये ठीक है, जो कि क्या है, 8 है, ये नंबर जो आपका 8 है, ठीक है, ये नंबर जो है आपका 8 है, तो कि जो कि 5 से अबव है, तो हमने कौन सा लिया है इसका राउंड ऑफ, ये लिया है। ठीक है, 7 लैक्स लिया, फिर हमने इनका डिफरेंस निकाला जो कि आया हमारे पास 2 लैक्स। ठीक है, समझ में आया, इसको हम बोलते हैं एस्टिमेटेड डिफरेंस। उसके बाद का आप देखेंगे क्या है एक्सरसाइज में, और क्या एग्जाम्पल दिया है, ये देयर आर, ये नंबर दिए हुए हैं, एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन लिविंग इन द स्टेट, एस्टिमेट द टोटल पॉपुलेशन एंड कंपेयर विद एक्चुअल पॉपुलेशन। ठीक है, आपको क्या करना है, एस्टिमेट टोटल निकालना है। ठीक है, इन दोनों नंबर्स का आपको पहले राउंड ऑफ निकालना है। ठीक है, इन दोनों नंबर का आप राउंड ऑफ निकालेंगे, उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, जो कि क्या होगा, एस्टिमेट ऐड होगा। ठीक है, एस्टिमेटेड सम होगा उन नंबर का, उसके बाद क्या करना है, इन दोनों का आपको एक्चुअल सम भी निकालना है। ठीक है, एक्चुअल सम निकाल करके और एस्टिमेटेड सम निकाल के उसके बाद उनका डिफरेंस निकालना है, कंपेयर करने को बोल रहा है ना, तो हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। ठीक है, समझ में आया, कंपेयर करना विद एक्चुअल पॉपुलेशन, मतलब कि क्या है, जो टोटल आएगा आपका, एक्चुअल सम जो आएगा उससे आपको उसको कंपेयर करना है कि वो कितना है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ एडल्ट जो कि निकला है, ये आपका राउंड ऑफ निकला है। ठीक है, दूसरे वाले का राउंड ऑफ ये निकला है, फिर क्या करा, दोनों को ऐड करा है। ठीक है, ये आया है। ठीक है, उसके बाद है एक्चुअल पॉपुलेशन जो भी होगी आपकी, ये है एक्चुअल पॉपुलेशन आपकी, ये है। ठीक है, दोनों को हमने एक्चुअल उसका एक्चुअल एडिशन करा नंबर का, तो ये आया। तो जो कि डिफरेंस जो कि आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी क्लोज है। ठीक है, समझ में आया, तो इस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज है आपकी 3.2। ठीक है, ये 3.2 ये आप अपने आप करेंगे। ठीक है, ये ठीक है, इसमें छूट गया है, पर आप, मैंने इसमें दिखा दिया 3.2 जो कि एक्सरसाइज है वो आप अपने आप करेंगे। ठीक है, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।